भारत में जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी स्थिति थोड़ी गंभीर चल रही है। यहाँ पर कोल की शॉर्टेज की वजह से काफी सारी चीजें इफेक्ट होती जा रही है। रेलवे भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि वो अपने वैगन्स की क्षमता को और बढ़ाए, तेजी से यहाँ पर सप्लाई करती रहे हमारी कोल कंपनीज हैं इन सभी को। बट अब यहाँ पर फाइनली रशिया के साथ भी हमारी एक एनर्जी पार्टनरशिप हो चुकी है जो कि काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो पार्टनरशिप है इसके तहत रशिया के जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले कोकिंग कोल है वो सप्लाई होंगे भारत में। नाउ एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे, हर साल भारत में अकेले कोकिंग कोल के लिए 75,000 करोड़ रुपीस खर्चे जाते हैं, वो भी मात्र इंपोर्ट पर ही। तो सोचिए इतनी विदेशी मुद्रा हमारी जा रही है। मेजरली हम ऑस्ट्रेलिया पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम ज्यादा सबसे ज्यादा कोल आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया से ही प्रोक्योर करते आ रहे थे अब तक। बट अब एक और नया दरवाजा खुल चुका है, रशिया यहाँ पर तैयार हो चुका है, हमारा MOU भी साइन हो चुका है इनके साथ, एंड नाउ फाइनली ये सप्लाई अपनी शुरू कर देंगे। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ऑफ माइनिंग और भी कई तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली स्टील। एक और फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत में जो स्टील प्रोडक्शन होता है तो इसमें से अकेला 40% जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है अकेला कोकिंग कोल का ही होता है। तो आप सोच सकते हो अगर इसकी कॉस्ट ड्रास्टिकली या फिर थोड़ी सी भी कम हो जाए तो यहाँ पर भारत एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक मेजर चंक ऑफ मनी सेव कर सकता है। करेंटली भारत की जो भी मेजर स्टील कंपनीज है वो इसी तरह के कोकिंग कोल को यूज करती आ रही है सालों से। बट हाउएवर यहाँ पर टाटा स्टील की बात करें तो ये तो अपने 25 से 30% की जो भी रिक्वायरमेंट है कोल रिक्वायरमेंट, तो ये कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट को अपने डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय स्टेट ओन्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे ये लोग पूरा करते हैं। नाउ एक और काफी हैरानी की बात आपको पता चलेगी कि भारत में भी इनफैक्ट इस तरह के कोकिंग कोल को माइनिंग किया जाता है, या फिर यू कह लो कि भारत के पास तो इसका एक काफी बड़ा भंडार भी मौजूद है, पूरा कोकिंग कोल रिजर्व्स इन झारखंड इन झारिया। बट यहाँ पर इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, इतना कचरा जैसा काम हो रहा है कि हमेशा यहाँ पर फायर हो जाता है। जब भी यहाँ पर कोई काम होता है हमेशा आग लग जाती है। इसके चलते यहाँ पर कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा एक्सप्लोर हो ही नहीं पा रही है, दे आर कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड नाउ। बट यहाँ पर काफी एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अगर हम यहाँ के रफ एस्टिमेट निकाले जो रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद है तो ये तो 19.4 बिलियन टन्स के पूरे मौजूद है और हमारी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बट वहीं दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में ज्यादा कुछ अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं है कोल वॉशरीज के लिए भी, जो कि हमें काफी ज्यादा जरूरत होती है कोल प्रोसेस करने के लिए। और इसी रीजन की वजह से ज्यादा इस तरह के कोकिंग कोल के लिए हमें बाहर के देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है अभी फिलहाल। सो इस पर भी भारत को काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये तो अच्छा है कि एक और दरवाजा हमारे लिए खुल चुका है रशिया का, यहाँ से भी कोल आता रहेगा। बट डोमेस्टिक माइनिंग और एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ भारत को अपने रिजर्व्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।